है नेक्स्ट नाइन न्यूज। यूपी के बरेली में आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने सामूहिक गिरफ्तारी और जेल भरो आंदोलन का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें, जुमे की नमाज के बाद तौकीर रजा ने सामूहिक रूप से गिरफ्तारी देने की बात कही है, जिसके चलते हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। इसको लेकर पहले से ही भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। आपको बता दें, पूरे इलाके में छावनी में तब्दील हो गई है और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। लेकिन इससे पहले तौकीर रजा ने हल्द्वानी हिंसा को लेकर विवादित बयान दे दिया है। आपको बता दें, तौकीर रजा ने कहा कि तुम हमारे घर पर बुलडोजर चला दोगे तो क्या हम चुपचाप बैठे रहेंगे और किसी बुलडोजर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट अगर संज्ञान नहीं ले रहा तो हम अपनी हिफाजत खुद करेंगे। हमें कानून ने अधिकार दिया है कि हम पर कोई हमला होता है तो हम अब उसे जान से मार दे। ऐसा उन्होंने बयान दिया है, जिसके बाद सियासी तकरार तेज हो गई है। इस दौरान रजा ने पीएम मोदी और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पर आपत्तिजनक टिप्पणी भी की है, साथ ही शब्दों का उनको इस्तेमाल किया है। और उन्होंने कहा, फिलहाल बरेली का माहौल बेहद गर्म है। आपको बता दें, पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे है, सड़कों पर हजारों लोग उतर आए हैं, पुलिस भी लेकिन तैयारी में खड़ी नजर आ रही है। आपको बता दें, तौकीर रजा ने आगे कहा कि अगर कोई अपराधी तो उसके मकान, मदरसा और मस्जिद पर बुलडोजर क्यों नहीं चलाया जा रहा, इसका विरोध करेंगे। और देश में नफरत फैलाने का जो माहौल बना दिया गया है, इसके खिलाफ बरेली में अभियान भी शुरू किया जाएगा जो पूरे देश में चलाया जाएगा। हालांकि इसको लेकर वीडियो पहले संदेश में तौकीर रजा ने अपने लोगों से कहा था कि नमाज अदा करने के बाद शांतिपूर्ण तरीके से गिरफ्तारी देनी है, हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिसके बाद गलत संदेश जाए। रजा ने प्रदर्शन या विरोध को संवैधानिक दायरे में रहकर उसको करने की अपील की है। आपको बता दें, बरेली में आईएमसी प्रमुख के प्रदर्शन से ऐलान को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। 1000 से ज्यादा लोग पुलिस कर्मियों को इस्लामिया मैदान में तैनात कर दिया गया है। आपको बता दें, एसपी डीएसपी समेत तमाम अधिकारी मौजूद हैं। किसी भी प्रकार की आपात स्थिति से निपटने के लिए पीएससी और आरएफएफ की तैनाती भी की गई है। गौरतलब ये है कि इस वक्त ये सब जो कांड हो रहा है, अभी अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत हो रहा है। आपको बताया, उत्तराखंड के हल्द्वानी में भड़की हिंसा के बाद माहौल बहुत ज्यादा गर्माया हुआ नजर आ रहा है। उत्तराखंड से लेकर यूपी तक हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। ऐसे में जाहिर तौर पर दंगे होने निश्चित है, जिसकी वजह से पुलिस की तैनाती चारों तरफ कर दी गई है कि कब कहां पे हमला हो जाए। ऐसे में तौकीर रजा का ऐसा बयान आना कहीं ना कहीं सियासी माहौल को और गर्म करता हुआ नजर आता है। ऐसे में तौकीर रजा ने जो बयान दर्ज किया है, इनके गिरफ्तारी के भी कयास इसमें लगाए जाने लगे हैं। और उन्होंने जो जेल भरो आंदोलन शुरू किया है, ऐसे में सरकार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी। फिलहाल के लिए आगे देखना होगा कि इसमें क्या आने वाले केस में होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज पर।